हाय गाइस, आज जो बताना है यूनियन बैंक का जो बेनिफिशियरी ऐड करते, ऐड करने के बाद आप डिलीट भी कर सकते। जैसा आपका बेनिफिशियरी ज़्यादा हो गया, ऐड करते करते ज़्यादा हो गया, आप बहुत परेशान हो रहे। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपको कुछ काम पे नहीं है। बेनिफिशियरी ज़्यादा हो गया, आपका दोस्त का ऐड कर लिए, बाहर का भी ऐड कर लिए, करने के बाद ही पार्सल आप जो ऐड करे से आपको मिल रहा नहीं, आपको परेशानी हो रहा, आप डिलीट कर सकते। तो डिलीट कैसे करना आपको बताएंगे। आप चाह रहे बेनिफिशियरी जो जो आप यूज़ नहीं करते वो डिलीट करना चाह रहे, वो डिलीट आप कर सकते, आपको लाइव बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप विश्वजीत। यूनियन बैंक का जो ऐड बेनिफिशियरी आप डिलीट कैसे करना आपको पूरा वीडियो में एक के बाद एक स्टेप बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए कैसे कैसे करते, आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो शुरू कर रहा हूँ, अब देखिए गाइस। फोन में आ गया, फोन में आने के बाद यूनियन बैंक का जो यू मोबाइल ऐप से मोबाइल बैंकिंग का वो लॉगिन करना। लॉगिन करके आप अकाउंट कैसे डिलीट करना, जैसा आपका अकाउंट ज़्यादा हो गया, जो अकाउंट आपको काम पे नहीं लग रहे वो अकाउंट आप निकालना चाह रहे, वो डिलीट करना चाह रहे, तो कैसे करना आपको लाइव बताएंगे। पहले यूनियन बैंक का मोबाइल ऐप लॉगिन कर लीजिए, पिन डाल के लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद फंड ट्रांसफर करने के लिए जो अकाउंट ऐड करे से तो डिलीट करना। गाइस देखिए यहाँ पे फंड ट्रांसफर बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस नीचे देखिए मैनेज पे बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। गाइस ये पेज पे आ जाते हैं, आने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखे से ऐड न्यू पे बोल के लिखे से दूसरा देखिए पे लिस्ट बोल के लिखे से पे लिस्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा आपको डिलीट करने का ऑप्शन आपको दे देता है। यूनियन बैंक में जो जो अकाउंट ऐड है यहाँ पे पूरा बता रहे, तो बाजू में डिलीट का ऑप्शन भी दे रहे हैं। देखिए ये डिलीट का ऑप्शन दबाया तो आपका जो बैंक अकाउंट ऐड करे से वो डिलीट हो जाता। ये यूनियन बैंक का है, तो आधार बैंक का बोले तो आधार बैंक सिलेक्ट करिए। आधार बैंक में पूरा अकाउंट सेफ है मेरा, ऐड करे से यहाँ से अकाउंट आपको डिलीट करके आपको लाइव बताएंगे। ये आधार बैंक का हो गया। यूनियन बैंक का जो UPI ID है आप ऐड करे से अकाउंट नंबर ऐड करे बोले तो यहाँ पे लिस्ट आ जाता। तो यहाँ पे देखिए मैं आधार बैंक से आपको डिलीट करके आपको बताएंगे। आधार बैंक में सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो जो अकाउंट है आप एक बार अच्छे तरफ से देख लीजिए आपका कौन सा डिलीट करना है। गाइस देखिए मैं अकाउंट एक सिलेक्ट कर लिए, करने के बाद यहाँ पे टिक लगा दिए। टिक लगाने के बाद यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन दे रहे ये डिलीट का ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछ रहे आप डिलीट करना का नहीं करना, तो यस दबाइए। आपको डिलीट करना बोले तो आप यस दबाइए, डिलीट नहीं करना बोले तो नो दबाइए। मैं डिलीट करना है, मैं यस दबा रहा हूँ। गाइस देखिए थोड़ा लोडिंग लेता, यहाँ पे बेनिफिशियरी डिलीट सक्सेसफुल बोल के यहाँ पे बता भी दे रहे, तो थोड़ा टाइम ले रहे। यूनियन बैंक का जो बेनिफिशियरी आप ऐड करे से कोई गलती से भी ऐड करे तो आप डिलीट कर सकते हैं। जैसा आप यूनियन बैंक में आपको ऐड अकाउंट ज़्यादा हो गया तो आपको मुश्किल हो रहा ढूंढने के लिए, तब भी आप डिलीट कर सकते हैं। कौन सा भी बैंक का आप यहाँ पे ऐड करे से वो अकाउंट आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी डिलीट सक्सेसफुल बोल के भी आ गया। गाइस देखिए 3 से 4 मिनट तक घूमते ही जा रहे, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी डिलीट सक्सेसफुल बोल के बता दिए। मैं कैंसिल करके देख लेता हूँ वो अकाउंट मेरा डिलीट हुआ क्या नहीं हुआ। पहले मैं बैक कर लेता हूँ, बैक करके फिर लॉगिन करके मैं देखता हूँ वो अकाउंट डिलीट हुआ क्या नहीं हुआ, आपको बताएंगे। गाइस यूनियन बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है मैं बैक करता हूँ, बैक करके मैं लॉगिन करके जो अकाउंट मेरे को डिलीट करना था वो डिलीट हुआ क्या नहीं हुआ मैं देखता हूँ। बेनिफिशियरी डिलीट सक्सेसफुल बोल के तो बता दिए, तो ओपन नहीं हो रहा, मेरे को बैक करके देखना पड़ता डिलीट हुआ क्या नहीं हुआ। गाइस बैक करके यहाँ पे आ गया, आने के बाद यहाँ पे पिन देके मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके वो अकाउंट है क्या चेक करता हूँ, मैं जो डिलीट करा वो अकाउंट है क्या मैं चेक कर लेता हूँ। फिर से फंड ट्रांसफर को जाना पड़ता, फंड ट्रांसफर को जाने के बाद नीचे मैनेज पे बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद पे लिस्ट बोल के जो लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आधार बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट है क्या मैं देख लेता हूँ। गाइस जो अकाउंट मैं डिलीट करा वो अकाउंट यहाँ पे नहीं है, डिलीट हो गया।
गाइस यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, जो अकाउंट मैं डिलीट करा वो डिलीट हो गया, तो ऑप्शन वहाँ पे वैसा ही रह गया था सक्सेसफुल बोल के तो बता दिए। डिलीट होने के बाद जो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग बैक नहीं आ रहे, मेरा जो अकाउंट डिलीट करना था वो अकाउंट डिलीट हो गया। आप ऐसे करके आप डिलीट कर सकते, आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको पता कैसे आप डिलीट करना। दूसरा भी आप ऐसा करके आप डिलीट कर सकते, जितना आपको अकाउंट डिलीट करना है आप कर सकते, तो आपको लाइव प्रूफ के साथ बताया। जैसा दूसरा अकाउंट आप गलती से ऐड कर लिए उसको डिलीट करना चाह रहे, ये भी हो सकते हैं। मैं एक बार के लिए मैं ऐड करा उसको डिलीट करना चाह रहे, वो भी डिलीट कर सकते। आपको लाइव बताया कैसे कैसे आप डिलीट करना, एक का बाद एक स्टेप बताया कैसे डिलीट करना। गाइस पूरा वीडियो में बताया यूनियन बैंक का जो बेनिफिशियरी ऐड करते, ऐड करने के बाद भी आपको डिलीट करना चाह रहे, कुछ काम में नहीं लग रहे, डिलीट कैसे करना आपको पूरा वीडियो में बताया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल प्रेस करिए, वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। यही जानकारी देना था, शुक्रिया, बाय।